नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। नव वर्ष आने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अमूमन नव वर्ष के स्वागत के लिए आम लोग जितने उत्साहित रहते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए उतनी ही तैयारियां की जाती हैं। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से नव वर्ष को लेकर अभी तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं की गई है। बैठकों का दौर हुआ, सुरक्षा के मुद्दे पर निर्णय लिया गया, लेकिन जो पर्यटक स्थल है जहां नव वर्ष मनाने लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। शहर से सटे एकमात्र पार्क है सृष्टि पार्क, जो कुरवा पहाड़ पर बनाया गया है और लगभग 2 दशक से ज्यादा यह पुराना पार्क है। संयुक्त बिहार के समय में ही यह बनाया गया था। यह स्थल कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यह असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। इसके कई सबूत यहाँ बिखरे पड़े हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन जब यह पार्क बना था तो आम लोगों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए थे। प्रवेश शुल्क निर्धारित था, लोग शहर से सटे होने के कारण पूरे परिवार के साथ यहाँ आते थे और छुट्टी का जो है आनंद परिवार के साथ बिताते थे। लेकिन रख रखाव के अभाव में पार्क बदहाल होता गया और आज के डेट में यह पार्क पूरी तरह से कहें तो बंद हो चुका है। प्रकृति की गोद में यह बसा है। यहाँ पर कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। सनसेट और सनराइजिंग को देखने के लिए जो है पॉइंट चिन्हित किया गया था और वहाँ पे जब ये गुलजार हुआ करता था तो लोग काफ़ी संख्या में शाम के समय में आते थे और सूर्यास्त को अपने कैमरे में कैद किया करते थे। लेकिन आज वीरान है यह पार्क। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि नव वर्ष के स्वागत के लिए लोग कहाँ जाएंगे। जिला प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा। अभी भी वक्त है, कम से कम नव वर्ष के लिए ही सही इस सृष्टि पार्क को तैयार किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।